अपने सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। आपका होस्ट मुबशर नकवी आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वैल्यू मेक्स अ डिफरेंस। वैल्यू को अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इसको कहते हैं औकात। वैल्यू, मेरी वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है। ओके फाइन, वैल्यू मेक्स अ डिफरेंस। अगर मैं अपने लफ्ज बदलूं तो मैं गलत नहीं हूंगा कि इंसान अपनी औकात से ज्यादा नहीं कमाता। क्या नहीं कमाता, हर इंसान की क्या ख्वाहिश है, इज्जत शोहरत और पैसा। इज्जत शोहरत और पैसा, ये तीन चीजें कमाने के लिए इंसान तगोदो करता है, और ये तीन चीजें आपको आपकी औकात से ज्यादा नहीं मिलती। इसमें हम देखेंगे, देखें फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आप लोगों को बताऊं ये तीन चीजें बताने कैसे कमाएंगी और औकात का इसके साथ वैल्यू का क्या डिफरेंस है। उससे पहले देखें, मेरे 21 साल की रेगुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है, उसके बावजूद मैं अपने आप को किसी काबिल नहीं समझता, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि मैं महंगे महंगे अल्फाज भी बोल सकता हूं, लेकिन क्या है, सादा अल्फाज इसलिए बोल रहा हूं कि एम इज टू इंप्रूव टू कीप अप पॉवर्टी एलिवेशन, लोगों को गुर्बत से उठाकर आगे लेके जाना है। जो लोग पीछे रह गए हैं उनको अपने से भी आगे करना है। पीछे कौन रह जाता है, सिर्फ वो रहता है जिसको कामयाबी, कामयाब होने के समझ नहीं आती कि कैसे कामयाब होना है, और वो लोग उनको अगर सादा जुबान में उनकी लैंग्वेज में जो पीछे रह गए हैं उनकी लैंग्वेज में अगर समझाया जाए तो वो आगे आ सकते हैं, मेरे बाजू बन सकते हैं। गाइस, आप लोगों को एक सिंपल जो आपके सराउंडिंग में एग्जांपल्स होती हैं उससे बताता हूं कि वैल्यू मेक्स अ डिफरेंस कैसे। इससे पहले हम अपना ये प्रोग्राम, ये लेक्चर स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल सक्सेस विद मुबशर को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, हम कुछ सिंपल एग्जांपल्स। एक लड़का मेरे पास आया, मुझे कहता है कि सर मैं इंजीनियरिंग का एक लेक्चर था वो दे रहा था, इंस्टॉलेशन प्लानिंग एंड एस्टिमेशन को। लड़का आज एक मेरा एक स्टूडेंट था, कहता सर मैं जॉब कर रहा हूं एक फैक्ट्री में, तो मुझे वहां पर वो 20-25,000-30,000 दे रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं, इंसेंटिव डाल के 22-25,000 एवरेज वो साहब मिला के 25-30,000 देते हैं। तो मैंने कहा बेटा ऐसा क्यों है, ऑल्दो ही वाज माय एज फेलोस, 8-10 साल का फर्क होगा। तो वो कहता सर कि बस मैं क्या करूं। मैं कहा बेटा सही बात बताओ कि सही बात क्या है, आपको 25-30,000 क्यों देते हैं, सही बात बताओ। वो क्या लड़का बताता है मैं आपको अभी बताता हूं। उससे पहले मैंने आप लोगों को बता दूं कि वैल्यू मेक्स अ डिफरेंस। आप एक डॉक्टर के पास चले जाएं, डॉक्टर कैसे बनता है, एमबीबीएस डिग्री होती है उसके पास। एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास चले जाएं, दो एमबीबीएस डॉक्टर पकड़ लें, सेम डिग्री है, दोनों को ओपीडी चेक कर लें, डिफरेंट होगा कैसे। एक 150-200 की ओपीडी के ऊपर अपने पेशेंट्स चेक कर रहा है और एक 1,500-2,000 की ओपीडी के ऊपर अपने पेशेंट चेक कर रहा है, और सोने पे सुहागा क्या है, उसके पास 150-200 वाली ओपीडी वाले के पास पेशेंट टूट जाते हैं, उसके पास रश नहीं खत्म हो रहा जो 1,500-2,000 की ओपीडी के ऊपर चेक कर रहा है, डिग्री सेम, थोड़ा सा इंप्रूव कर ले, एफसीपीएस डिग्री के ऊपर आ जाए, डॉक्टर 500 के ऊपर ओपीडी चेक कर रहा है और दूसरी साइड पे वो 5,000 के ऊपर ओपीडी चेक कर रहा है। वैल्यू मेक्स अ डिफरेंस। मैं लंबी बातों में नहीं जाऊंगा, सिर्फ एग्जांपल दूंगा, आगे निकल जाऊंगा ताकि आप लोग छोटी सी वीडियो में कुछ ज्यादा सीख सकें। दूसरी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं दोस्तों, दो लॉयर्स पकड़ लें, लॉयर्स की 2-3 डिग्रियां हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन दे डू LLB, LLM और बार एट लॉ। तीनों को उठा लें, दो LLB उठा लें,
दोनों का आप देखेंगे डिफरेंट होंगे, दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट होगा, दोनों का ऑफिस स्टेटस डिफरेंट होगा, दोनों का चार्जिंग ऑफ फी चार्जिंग जो है वो डिफरेंट होगी। एलएलएम वाले को उठा लें, बारेट ला वाले को उठा लें, क्या है, दोनों का स्टेटस डिफरेंट, फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट, दोनों का कैलिबर डिफरेंट है। कैसे? वैल्यू मेक्स अ डिफरेंट। उसने डिफरेंस उसकी उसने अपनी औकात बदली है तो वो डिफरेंस हो गया, उसने अपनी औकात बदली है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। आपको एक छोटी सी और एग्जांपल दे दूं, आप लोग हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, अपने हेयर ड्रेस कराते हैं, एक साजा माजा जो है वो कर रहा है 150-200 रुपए में कर रहा है आपकी कटिंग, दूसरी तरफ चले जाएं वो आपका 500 रुपए में कर रहा है कटिंग, टुडे वाले के पास चले जाएं, वो अपना मिसला सैलून पे चले जाएं, और आपको वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे बता दूं कि आप चले जाएं इधर मदिहाज और दूसरी पर चले जाएं, क्या चार्ज कर रहे हैं ब्राइडल मेकअप भाई? 1 लाख 1.5 लाख ऐसे ही है। ब्राइडल मेकअप आपका 20,000 में भी हो रहा है, 15,000 में भी हो रहा है, और ऊपर चले जाएं तो ब्राइडल मेकअप आपका 15 लाख में हो रहा है। क्या है? वैल्यू मेक्स डिफरेंस। आपको आखिरी चीज बता के मैं एक कंक्लूजन देता हूं कि अगर आप देखें दो म्यूजिक डायरेक्टर उठा लें पाकिस्तान में, देख लें बाहर देख लें, यहां वारिस बेग है, दूसरे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं असद अमानत अली खान दूसरे हैं, ये भी बना रहे हैं, ये भी चार्ज कर रहे हैं पैसे, ये लाखों रुपया चार्ज करते हैं और म्यूजिक देते हैं, और कुछ जिन्होंने अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाई वो चंद लाखों में सेम काम कर रहे हैं। क्या काम है? 7 सुर है ना, सारे गा मा पा दा नी सा, वो भाई 7 सुरों से कमाल इसको घुमा रहे हैं। ए आर रहमान है, वो लाखों रुपया चार्ज करता है एक म्यूजिक देने का, और दूसरी साइड पे क्या है, कम रुपयों में वो सेम म्यूजिक दे रहे हैं लोग। क्या है? वैल्यू मेक्स अ डिफरेंस। वो स्टूडेंट मेरा कहता है कि सर मैं क्या करूं मुझे बताएं। मैंने कहा बेटा बात बड़ी सिंपल है, तू पूरी बात नहीं बता रहा। कह सर पूरी बात है, मुझे 25-30 हजार रुपया देते हैं, मैं क्या करूं कैसे बढ़ाऊं। मैं कहा तू 2 घंटे काम करता है? कहता नहीं सर। मैंने कहा क्या तू 4 घंटे काम करता है? कहता नहीं सर। मैं कहा 6 घंटे करता है? कहता नहीं सर, पूरे 8 घंटे। मैं कहा कम चोरी करता होगा? कहता नहीं सर। मैंने कहा फिर बेटा बात सुन, चौकस हो गए ना बेटा, वो स्टूडेंट चौकस हो गया। मैंने कहा बेटा बात सुन, तेरी फैक्ट्री में कोई 70-80 हजार लेता है? कहता सर 70-80 हजार? सर 1-2 लाख सैलरी है, वो सर 4-5 लाख भी सैलरी है। मैंने कहा बेटा क्या वो सारा सारा दिन काम करते हैं? कहता नहीं सर, वो भी 8-9 घंटे ही काम करते हैं। तो मैंने कहा बेटा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो 8 घंटे का 5 लाख ले रहे हैं तो तू 8 घंटे का 30 हजार रुपया क्यों ले रहा है? दिमाग को खटको जरा, तू क्यों ले रहा है? वो कहता सर वाकई। मैंने कहा बेटा अपनी औकात बदल, अगर आप पैसा इज्जत और शोहरत कमाना चाहते हो तो अपनी औकात बदलो। जितनी औकात बदलोगे, जितनी अच्छी आप अपने आप में ग्रूमिंग करोगे, जितनी ग्रूमिंग उतनी इज्जत शोहरत और पैसा। वैल्यू मेक्स डिफरेंस। ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आए तो अपनी वैल्यू जरूर बदलें, अपने आप में तब्दीली लाएं, ग्रूमिंग करें अपनी। वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स मेरी मोटिवेशन है। अगली वीडियो तक अपने होस्ट मुबशर नकवी को इजाजत दीजिए। स्टे ट्यून्ड विद मी। अल्लाह हाफिज़।